आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक एकड़ लौकी की खेती के बारे में, बटल गार्ड की खेती के बारे में आपको कुछ पॉइंटों के आधार पर आपको जानकारी देंगे कि कौन सा बीज हमको लगाना चाहिए और खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए, क्या क्या खाद उर्वरक हमको डालना चाहिए और कितना उत्पादन हमको प्राप्त होता है और एक एकड़ में कितने बीज की मात्रा लगती है, पौधे से पौधे की दूरी हमको कितना रखना चाहिए। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज बी खेती। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। जैसे ही हमारी कोई भी वीडियो आएगी, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं समय की। पूरे साल भर में कभी भी लौकी की खेती कर सकते हो और यदि आप बारिश के मौसम में कर रहे हो तो बारिश में ध्यान रखना दोस्तों कि आप 15 मई से आप जुलाई तक इसको लगा सकते हो। इसके बाद बात आती है मिट्टी की कि किस प्रकार की मिट्टी में हम लौकी की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लौकी की खेती किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हो, बस ध्यान रखना है ज्यादा पथरीली जमीन नहीं होनी चाहिए और दूसरी बात, पानी का भराव नहीं होना चाहिए। यदि पानी का भराव आपकी जमीन में हो रहा है तो आप नाली निकलवा दें जिससे पानी खेत से बाहर हो जाएगा। अब बात आती है खेत की तैयारी की। तो दोस्तों, अच्छे से आप खेत की जुताई करवा लें और इसके बाद आपको उसमें बेड तैयार करवाना है, क्योंकि हम बेड के माध्यम से ही लौकी की खेती करेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, हमको परंपरागत जो खेती करते हैं उससे डबल उत्पादन हमको प्राप्त होता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए हम बेड के माध्यम से ही लौकी की खेती करेंगे और मंडप तैयार करके लौकी की खेती करेंगे। तो बेड तैयार करना है दोस्तों, बेड तैयार करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि बेड से बेड की दूरी आपको 10 फीट रखना है। तो आपको 10 फीट की दूरी पे बेड तैयार करवा लेना है और आपको इसमें पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखना है, 3 से 3.5 फीट भी रख सकते हो। अब इसके बाद बात आती है कि खाद उर्वरक हमको क्या क्या डालना चाहिए। तो दोस्तों, हमको बेड के ऊपर 2 से 3 ट्राली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद लेना है और सिंगल सुपर फास्फेट लेना है 100 किलो और आपको पोटास लेना है 20 किलो और इसको आपको मिक्स करवा कर बेड के ऊपर डलवा देना है। इसके बाद बात आती है मल्चिंग पेपर की। तो करीबन आपको मल्चिंग पेपर में 7 से 8 हजार रुपए का खर्च आ जाता है। आप मल्चिंग पेपर बिछवा दें और 3-3 फीट की दूरी पर आप होल बनवा लें। दोस्तों, आपको 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर का उपयोग करना है। अब इसके बाद बात आती है बीज की, हम कौन सी वैरायटी का चयन करें जिससे हमको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो और अच्छी क्वालिटी की हमको बटल गार्ड प्राप्त हो। दोस्तों, बीज मार्केट में कई प्रकार के अवेलेबल है, जैसे अच्छा बीज जो है बीएनआर का आता है हरुणा के नाम पर, नामधारी सीड का आता है कावेरी के नाम पर और सिंजेंटा का आता है विनायक के नाम पर, माइको का आता है माही 4 वर्ल्ड के नाम पर, माइको का ही आता है माही 4 के नाम पर, माइको का ही आता है माही 8 के नाम पर, कलर सीड का आता है BSS951 के नाम पर, निनोम्स का आता है अनोखी के नाम पर आता है। इन वेराइटियों में कोई भी आप चयन कर सकते हो। ये सभी वेराइटियां दोस्तों बहुत अच्छी वेराइटियां हैं, इनका आप चयन कर सकते हो। इसकी लौकी बहुत अच्छी आपको आती है, क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलती है और पेंसिल साइज अच्छा आता है इनका। तो दोस्तों, आप इन कोई भी वेराइटी को आप चयन कर सकते हो। और एक बात और दोस्तों, अपने क्षेत्र के अनुसार भी आप जो आपने कभी देखा हो कि अच्छी उत्पादन प्राप्त हो रहा है उस कंपनी का, तो आप वो भी उपयोग कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप यही उपयोग करो। अब इसके बाद बात आती है कि इसके बाद आपको बेसल डोज के बाद उसमें खाद उर्वरक क्या क्या देना है। तो दोस्त, जैसे ही पौधा आपका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में चालू हो जाए उस टाइम पर आप एक और बेसल डोज रखवा दें। डीएपी ले लें इसमें 30 किलो और पोटास ले लें 10 किलो और सिंगल सुपर फास्फेट ले लें 50 किलो। सबको मिक्स करवाएं और पौधे के चारों ओर आप डलवा दें सर्कल बनाकर। अब इसके बाद बात आती है कि इसमें रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए क्या करना है, कार्बंडाजिम प्लस मैनकोजेब लेना है 50 ग्राम प्रति पंप और थायमेथोक्साइन प्लस लेमडा लेना है 8 ml प्रति पंप। इसका एक स्प्रे आपको करवा देना है। यदि ज्यादा रोग दिख रहा है तो आप इंट्राकार ले लें 50 ग्राम प्रति पंप और 5 ml फॉलिकुर उसके साथ मिक्स करवाएं और साथ में सोलोमन मिक्स करवा लें और स्प्रे करवा दें। आपका पौधा
20 से 25 दिन का हो जाए तो आपको मचान तैयार करवा लें। उसमें जैसे ही फल स्टार्ट हो जाते हैं उस टाइम पर आप 0.5234 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप से छोड़ दें, इससे क्वालिटी बहुत अच्छी लौकी की बनेगी। तो दोस्तों अब बात आती है कि एक एकड़ में कितना हमको उत्पादन प्राप्त होता है। तो दोस्तों नॉर्मल परंपरागत जो खेती करते हैं उससे 60 से 70 क्विंटल तक उत्पादन आपको एक एकड़ से प्राप्त होता है, और आप मचान विधि और मल्चिंग की सहायता से खेती कर रहे हो तो इसमें करीबन आपको 130 से 150 क्विंटल तक आपको लौकी का उत्पादन प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें नीरज भी खेती। दोस्तों यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और देखते रहें नीरज भी खेती। तो दोस्तों नमस्ते, जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगले वीडियो में।